समय कितना बदल गया है मुझे भी यकीन नहीं होता भाई। आजकल मार्केट में आ चुकी है ये इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन, जिसे बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर हों या यूट्यूबर्स हों जो सिलाई सिखाते हैं, सभी यूज करते हैं। सो मैंने इसको मीशो पर सर्च किया और चौंक में तब गई जब मैंने इसके रिव्यू देखे। 1200 से ज़्यादा लोगों ने इसकी वीडियो और इमेजेस अपलोड करी और सभी पॉजिटिव रिव्यू के साथ, मतलब इतना अच्छा अच्छा बोला है सिलाई मशीन को, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा चलो मैं भी इसको ऑर्डर करके देखती हूँ और फाइनली इसका रिव्यू करती हूँ आपके साथ कि क्या ये सच में अच्छा वर्क करती है या नहीं, क्योंकि सभी इसका यूज़ कर रहे हैं। जो नॉर्मल पैरदान वाली सिलाई मशीन है या जो बड़ी बड़ी हमारे यहाँ मशीन रहती हैं उनको रिजेक्ट कर रहे हैं और इसको लेके आ रहे हैं। काफ़ी सस्ती है, 1400 रुपये की मिल गई। फ़ोन पे कर देना तो अराउंड 1200 के लगभग ये पड़ेगी। ठीक है, वैसे तो सस्ता नहीं है लेकिन सिलाई मशीन है, हम लोग कितनी महंगी लेके आते हैं, 5-5, 6-6 हज़ार की लेके आते हैं मार्केट से जो बड़ी वाली होती है, तो उसके अपेक्षा ये बहुत सस्ती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक भी है, बहुत अच्छे इसके फ़ीचर्स हैं जैसा कि मैंने पढ़ा था डिस्क्रिप्शन में, वो अभी मैं चेक करूँगी सारे फ़ीचर्स। तो इसके साथ देखिए कितना कुछ, इसकी जितनी भी एसेसरीज़ है वो सारी फ्री आई है। ये थ्रेड आए हैं इसमें, इंची टेप आया है ना, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आई हैं। ये भरी हुई धागे के साथ, भरी हुई क्या बोलते हैं इनको, ये गोल गोल है, मैं मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, ये भी आए हैं, बहुत सारे आए हैं। और इसमें देखिए वारंटी कार्ड भी मिलेगा आपको, लाइव डेमो भी मिलेगा, मतलब जब आप इसको खरीदेंगे ना तो वो वीडियो कॉल से आपको सब कुछ सिखाएंगे कि कैसे इस मशीन को यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल जितना मैं पॉसिबल है उतना मैं बता देती हूँ, पूरा तो कवर नहीं कर पाऊंगी लेकिन मैन में सब कुछ आपको इसको बता दूंगी, आपको अंदाजा लग जाएगा। इसमें आपको दो चार्जर जैसे दिख रहे होंगे, एक होता है चार्जर जिसको लगाने से ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और एक होता है ये पैर से चलाने वाला, जो नॉर्मली हम लोग पैरदान रखते हैं ना मशीन में, पैर से चलाते हैं, ये वही काम करती है। ठीक है, हाथ से तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, एक हाथ से सिलाई करना, तो पैरों से आप चला सकते हैं। अब इसमें 3 बटन दिए गए हैं, ऊपर वाले बटन से इसकी लाइट जलने लगेगी तो सिलाई में आसानी हो जाएगी धागा डालने में। सबसे नीचे वाले बटन से जो इसका पैरदान वाला पोर्शन है ना वो काम करेगा, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगा, आप पैरों की मदद से इसको चला सकते हैं। और जो बीच वाला बटन है ना वो, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी से आपकी मशीन जो है वो चलने लगेगी। ठीक है, और ये जो गोल गोल दिख रहा है ना जिस पे मैं हाथ रखे हूँ, इससे आपकी जो सिलाई है वो मोटी और पतली आएगी, जैसे बड़े बड़े जो आते हैं ना पतला बारीक बारीक, उस हिसाब से। और साइड में आप बॉबिन लगा सकते हैं, मुझे याद आ गया बॉबिन बोलते हैं, और इसको आप उठा देंगे तो यहाँ पर भी आप जो रील आएगी ना थ्रेड उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसमें धागा मैंने ऑलरेडी लगा रखा है लेकिन मैं आपको बताऊंगी कैसे धागा लगाना है वीडियो के एंड में। तो अब मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। ये सिलाई मैंने करी है इलेक्ट्रॉनिक से, मतलब एक बटन दबाया ये स्टार्ट हो गई। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये होती है, जिनको हैबिट में आ जाए उनको तो ठीक है कि उन्होंने तुरंत बटन बंद कर दिया तो बंद हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सिलाई देख लीजिए, ये सिलाई बहुत अच्छी हो रही है इसमें, और ये हुई है हमारी इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब बटन दबाओ मशीन चालू हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बटन दबाया और फिर बटन को बंद कर दिया है तो ये बंद हो गई है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी आसान है, बस थोड़ी सी हैबिट की ज़रूरत है, 2-3 दिन दिक्कत होगी फिर आपको इससे बनने लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने 2 बार सिलाई करके दिखाया। अब मैं आपको अगला फीचर्स बता रही हूँ। नीचे वाला बटन जैसे ही आप दबाओगे तो इसका जो पैरदान वाला सिस्टम है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं फिलहाल हाथ से चला के दिखा रही हूँ। तो ये जो हाथ से मैंने चलाया है ना इसको आपको पैरों से चलाना है। आप इसका एक पैरदान ले लीजिएगा, छोटे साइज का आता है, उसमें इस मशीन को लगा लेना तो पैरों से चला पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको इसमें धागा डालना है। ठीक है, तो इन शॉर्टकटली बताऊंगी, बाकी वो लोग लाइव डेमो क्लास देंगे, आपको सब कुछ बता देंगे। तो जैसे नॉर्मल हम अपनी मशीन में धागा डालते हैं ना, सेम बिल्कुल वैसा ही इसका भी पैटर्न है। ठीक है, और इसको बॉबिन को भरने का भी इसमें फंक्शन आता है, लेकिन अगर मैं बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक बटन दबाते ही इसकी बॉबिन जो है वो भर जाती है। तो देखिए बॉबिन जहाँ पे लगी है वहीं से निकाल के आपको इस तरह से लगाना है, और जैसे उसमें धागा डालते हैं जहाँ जहाँ मैं दिखा रही हूँ वीडियो में वैसे ही आपको इसको डाल देना है। धागा लगाना बहुत आसान होता है, और नीचे वाली जो बॉबिन है ना उसको बस वहीं पर फिट करना होता है जो पोर्शन दिया गया है। फटाफट से बता दूँ, अगर आपको ये मशीन चाहिए हो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आपका काम बहुत आसान कर देगी, तो आप बस मेहनत नहीं है इसमें, कुछ भी मेहनत नहीं है, मतलब जो नॉर्मल पैरदान वाली मशीन होती है ना उसको पैरों से चलाना होता है, पैरों में सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है,
लेकिन इसको कुछ नहीं करना, बस एक पैर रखना है हल्के से और ये चलने लगती है, ठीक है। तो इसका लिंक दे दिया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट लिंक नहीं मिलेगी, आपको पहले मुझे फॉलो कर लेना है, फिर कमेंट बॉक्स में DM लिखना है, तो लिंक अपने आप ही आपके मैसेज बॉक्स में पहुँच जाएगी, वहाँ से आप इस मशीन को ले सकते हैं। तो क्लिक करके एक बार रिव्यू ज़रूर चेक कर लेना, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने इस मशीन को बुरा बोला, सबको खूब पसंद आई। तो देखा फ्रेंड्स आपने, मैंने आपको धागा लगा के भी दिखा दिया, जितना पॉसिबल था मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया है, सब कुछ आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, अच्छे से सिलाई हो रही है इसमें। फ्रेंड्स आपने, ये प्यारी सिलाई मशीन बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको आप पैरदान पर भी लगा सकते हैं, आजकल इसके लिए काफ़ी छोटे साइज़ के पैरदान आते हैं, मतलब इसी के नाप के आ जाते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, आप इसको रख के भी काम कर सकते हैं, आप इसको पैरों की मदद से जैसे नॉर्मल पैरदान हम लोग चलाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको काम कर सकते हैं। देखो चल रही है, ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हैं, और फ्रेंड्स आप इसको ना सेल से भी चला सकते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी आप यहाँ पर देखिए सेल डालेंगे इमरजेंसी के लिए, इसमें सेल डालेंगे तो ये बैटरी से भी चलेगी, ठीक है। तो बहुत मतलब सारे ऑप्शन हैं इसमें, आपको तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, सेल और पैर, ठीक है, तीनों से ये चलेगी। बहुत अच्छी मशीन लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी, और ये जो है ना ये वाला, इसमें आपको बस आराम से कुछ नहीं है, जैसे भी आपको चाहो आप इस तरीके से भी इसको धागा लगा करके यूज कर सकते हैं। भाई मुझे मशीन बहुत अच्छी लगी और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाती ना बहुत लेंदी हो जाता, तो इसको ना भरने के लिए भी एक सिस्टम होता है, इसको खोल करके आप इसको भर सकते हैं बहुत ईजिली, बस एक बटन दबाते ही सारा जो धागा है इनमें भर जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये मशीन, रियली बहुत अच्छी है, मतलब आज के टाइम पे ये काफ़ी पसंद की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। देखिए कितना सारा सामान भी इसमें मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो अगर आपको भी चाहिए हो तो लिंक मिल जाएगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे देखना है तो बस आपको कमेंट बॉक्स में DM लिखना है और मैसेज बॉक्स में आपकी लिंक पहुंच जाएगी, लेकिन मुझे फॉलो जरूर करना पड़ेगा तभी लिंक मिलेगी, वरना लिंक नहीं मिल पाएगी। सो फटाफट से जाइए इसको ले लीजिए, आज की ये स्मार्ट मशीन है, ना ज़्यादा जगह घेरती है, कैसे भी आप काम करिए, बैठ के भी काम कर सकते हो, कुर्सी पर बैठ के पैदान पर लगा के भी काम कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।